सलामकुम भाई, क्या तमाशे कर रहे भाई लोग? अरे रे, हमेशा रात तमाम औरतों को बिठा लेकर पैसों की अपील करने वाले, आज इन्हों खुद वहां बैठ कर आज लोग इनके ऊपर पैसा उड़ा रहे। खुद रात तमाम हमेशा लोगों के लिए अपील करते रहते, पैसा होना इनको, इतने पैसे होना इनको, इतने हजार होना इनको, इतने इतने 100 रुपये होना इनको, इतने लाख रुपये होना बोल के बोलते हैं। आज इनके कदमों के नीचे पैसा पड़ा हुआ है और ये कौम की खिदमत करने वाले ना? अरे अल्लाह को नाराज कर दुनिया को खुश कर रहे लगा, इलाम क्या कौम की खिदमत कर सकते भाई? जरा सोचो, इलाम खुद दिन तमाम रात तमाम गैर औरतों को बिठा लेकर सोशल मीडिया पर औरतों की बेइज्जत करते, औरतों को मजाक उड़ाते, औरतों को पूरे खानदान वालों के सामने जलील करते, क्या मदद कर रहे, फिर अल्लाह का नाम लेते। अरे अल्लाह ऐसा बोला गया, अल्लाह ताला ये करो बोला गया, अल्लाह ताला। अब लोग बोलेंगे भाई मजलिस के ऊपर भी लोग पैसा उड़ाते। अरे भाई, पैसा उड़ाने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ, और उसको तो अल्लाह के सामने जवाब देना ही चाहिए। और जो बैठ कर जो खाली हंस ले रहे, जो गा ले रहे, जो नाच ले रहे ना, इनको भी अल्लाह के सामने जवाब देना है। और ये लोग कौम की खिदमत करने वाले नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने अपनी वाह के लिए बस ये लगा ऐसे कामा करते लगा। तो मैं लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर वाकई में तुम लोगों के पास थोड़ा भी अगर ईमान है, ऐसे कामा रखो करो, अल्लाह को नाराज करने के काम, जो पैसा उड़ा ले रहे, अरे ये पैसा किसी गरीब कुत्ते भी दियो। अरे अब्दुल्ला खान साहब, अगर आपके दिल में अगर आवाम के लिए अगर मोहब्बत है, आवाम के लिए आपके दिल में अगर दर्द है, जो आदमी, जो लड़के, जो बच्चे, जो तुम्हारे ऊपर जो पैसा उड़ा रहे ना, तुम वहीं सवाल करना था। अरे मियाँ, मेरे दरबार में कईयों गरीब आवाम आती, तुम ना मेरे ऊपर कई पैसा उड़ा ले रहे भाई? अगर तुम लोग के पास दौलत बहुत है तो खुद के लिए तो भी उठा के रख लो, अगर हद से ज्यादा अगर दौलत है तो किसी की मदद तो भी करो। आओ मेरे दरबार में देखो, रात तमाम 2 बजे तक, 1:30 बजे तक लोग बैठे हुए रहते मेरे पास, औरतें पैसों के लिए, परेशानी के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए। ये पैसा मेरे ऊपर को ना पाओ, वहां पर आओ बोल के बोलो, नहीं बोलते आप, लेकिन खुशी खुशी कर रहे। तो ऐसे लोग क्या कौम की खिदमत करते? जरा समझो, आने वाला वक्त MP इलेक्शन का, ये तमाम लोग मुसलमानों को गुमराह करेंगे, जमात के खिलाफ भटकेंगे, इनके बातों में मत आओ। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, ये लगा सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए लगा ऐसे कामा कर रहे, और सिर्फ चाह मजलिस है वहां पर ही ठहर कर वोट काटने की कोशिश करेंगे। खैर, तमाम हैदराबाद की आवाम मजलिस के साथ है और रहेंगी इंशाल्लाह। और थोड़ी भी शर्म नहीं है भाई हमारे नौजवान भाइयों को? अरे कब खलेंगे यार तुम लोगों को? क्या जवाब देते तुम अल्लाह का? अरे खुदा ना खास्ता ये पैसा जो तुम लोग ऐसा उड़ा रहे, अल्लाह ना करे, मौत तो हर किसी को है, अगर तुम लोगों की मौत हो गई तो अल्लाह के सामने किस मुंह से तुम लोग जवाब देंगे अल्लाह के पास? ये लोग का तो छोड़ दो, इनका तो जमीर खत्म हो चुका है, इन लोगों के पास तो ईमान नाम की चीज ही खत्म हो गई, लोगों के पास सब ये हाल हो चुका है। अरे तुम लोग जा रहे, किसकी उम्मत है अपन? अरे जरा सोचो, क्या तुम लोगों के दिलों में अल्लाह का डर नहीं है? क्या नबी की थोड़ी भी मोहब्बत नहीं है तुम लोगों के दिलों में? अरे जरा सोचो बड़े भाई, अल्लाह से तौबा करो, अपनी दीवी दौलत को अपने लिए उठा के रख लो, इन लोगों के ऊपर क्या उड़ा रहे पैसा?